रोल 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 गोल क्या कौन सा है क्या है तेरा किसको बोलना है भाई? सभी दर्शकों को आर्या टीवी और क्या क्या अरे छोड़ना है सभी दोस्तों को सभी दर्शकों को ऑन सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और उसके बाद में ये जो फिल्म है इसका टाइटल इतना बढ़िया लगा मुझे तुमको ना भूल पाएंगे। आज मैं उस दौर में हूं जबकि इनका हीरो नहीं हो सकता था और अगर मैं होता तो जरूर कर रहा होता। नाम ही इतना रोमांटिक है और टाइटल से रोमांस टपक रहा है दोस्त। इस फिल्म में हमारे एक मित्र हैं सुनील मांझी जो इस फिल्म के निर्देशक हैं, उन्होंने मुझे इसकी कहानी सुनाई और कहा कि ये रोल आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल कर रहा हूँ क्यों नहीं करूँगा। दूसरे हमारे मित्र बारेश्वर सिंह वो भी इसमें हैं, एक बच्चा है प्रेम वो भी इसमें है, राजेश मिश्रा जी ने इसमें गाने लिखे हैं। ले दे के कहने का मतलब ये है कि तमाम जितने भी कलाकार हैं सब कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए या मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और फिल्म की शूटिंग तय होना शुरू हुई है शायद गुजरात में, तो जब कॉल आएगा बुलाया जाएगा हम हाजिर हैं, दौड़ पड़ेंगे यार शूटिंग करने के लिए। पूरी टीम को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सबको मेरी शुभकामनाएं, सीनियर आदमी हूँ इसलिए इस फिल्म के लिए मैं दुआ करूंगा कि हिट हो सक्सेस हो, क्योंकि अगर एक फिल्म बनती है और प्रोड्यूसर रिकवर करता है तो डायरेक्टर को और जितने उसमें कलाकार होते हैं सभी को एक हौसला बढ़ता है, हौसला अफजाई होती है और फिर दोबारा प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा मेरी तमाम बेस्ट विशेज इस फिल्म के साथ और जो तमाम कलाकार जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद प्रणाम। हाँ भाई पब्लिक को हमारे तरफ से नमस्कार हो। और ये पिक्चर का टाइटल ही तुमको ना भूल पाएंगे। ये पिक्चर मैंने हिंदी किया था सलमान खान के साथ और उसमें मैं असिस्टेंट था एक्शन डायरेक्टर का और इसमें सलमान खान नहीं तो साहिल खान तो है ही और इसमें मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ और मुझे एक्शन करने के लिए अच्छा लगेगा और अच्छा वो कुछ बोलते हैं कराटे वराटे सीखे हैं तो मुझे और प्लस है उनको साथ काम करने में और इसमें पवन जी हैं और अच्छा लगेगा और मांझी जी हैं डायरेक्टर अभी इनके साथ एक पिक्चर किया था हिंदी तो उसमें मज़ा आया था अभी इसमें करेंगे तो और मज़ा आएगा इसीलिए और मज़ा करके मिल मिल के सबके साथ काम करेंगे और मज़ा आएगी एक्शन जब देखेंगे तब तुमको ना भूल पाएंगे। थैंक यू कि ये फिल्म हमारे लिए एक चुनौती है और ये फिल्म मेरे लिए एक चुनौती है। मैं सबसे पहले तो भोजपुरी या दर्शकों को और भोजपुरी के समाज में उभरते हुए डायरेक्टरों को और जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस बार एक नई उम्मीद लेके आया हूँ भोजपुरी में जो देखने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि भोजपुरी समाज क्या चाहती है और इसीलिए भोजपुरी समाज को मैं एक बार प्रणाम करता हूँ और मैं एक एंटरटेन और कुछ लेके नहीं आ रहा बस। गीत संगीत किस तरह का जी करने वाले हैं? जी इसका मैं 75% शूट जो है लखनऊ में करूँगा मैं इसकी, इसका 25% जो शूट है मैं गुजरात में करूँगा जी। इसमें सबका सहयोग है, सब मित्र गणों का सहयोग है और बहुत अच्छी फिल्म है, स्टोरी बहुत अच्छी है और इसके हीरो जो हैं साहिल खान जी हैं और मतलब एक समाज से जुड़ी हुई कहानी है, रोमांटिक है, लव स्टोरी है, एंटरटेन फिल्म है बस। गीत संगीत कैसे रहने वाला है? मैं अब भोजपुरी की जहां बात आती है और राजेश मिश्रा जी का नाम ना है तो फिर प्यारे लाल कवि जी का नाम ना है तो फिर बेकार है। अब सोच ही सकते हैं कि क्या गाने होंगे उनके क्योंकि उनके गाने सुन के एक बार मनमत हो जाता आदमी। तो राजेश मिश्रा जी के गाने हैं, प्यारे लाल कबीर जी के गाने हैं और इसमें दामोदर भाई जी हैं उनका म्यूजिक है, लाजवाब। थैंक यू। खाली वही छपर का अच्छा
बात करें, आज तुमको ना भूल पाए फिल्म का महोत्सव है, क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते कि बाबा फिल्म्स के बैनर तले बन रही है फिल्म, जिसके निर्देशक मेरे दोस्त सुनील माझी जी हैं, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ हनक फिल्म में। बड़े सुलझे हुए, बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, यंग हैं, काफ़ी नया क्रिएशन करने की कोशिश करते हैं, और मज़ा आता है उनके साथ काम करें, क्योंकि वो एक एक्टर भी हैं, तो उनके साथ ये फिल्म करने में काफ़ी और मज़ा आएगा। और मेरे मित्र इसमें साहिल खान जी हीरो हैं, पवन जी हैं, सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी लोग हैं, तो हमें उम्मीद है कि सुनील जी जिस तरह से हनक बनाई थी, इस तरह से इसको भी बहुत खूबसूरत, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर इस फिल्म को बनाएंगे और एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो बात कीजिए इसमें किरदार किस तरह से निभाना है? किरदार इसमें विलन जिस तरह से मैं करेक्ट करता हूँ, तो इसमें भी कहीं एक विलन का ही रोल कर रहा हूँ, लेकिन सुनील जी ने कहा कुछ थोड़ा अलग है, तब तो जब हम करने जाएंगे इसकी प्रार्थना आएगी तो मुझे समझ में आएगा, लेकिन सुनील जी का कहना है कुछ अलग करेक्टर है इसमें। डायरेक्टर के बारे में भाई इसका कहना चाहूँगा कि डायरेक्टर के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ सुनील जी के साथ, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, और प्रोड्यूसर साहब के साथ पहली बार काम करने जा रहा हूँ, और उनके साथ भी काम करके हमें उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा काफ़ी लगेगा और काफ़ी मज़ा आएगा। इस फिल्म की जो है डायनामिक, और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर साहिल खान जी हैं जिस फिल्म से आ रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि इस फिल्म से अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में एक जलवा बिखेरेंगे और एक नए हीरो के रूप में विकसित होंगे। साहिल जी नमस्कार। सर आप साथ खड़े रहो, हाँ सबको नाश्ता तो ही ना, अरे साथ खड़े रहो आप, ऐसे मैं ही साथ में, हाँ अरे भैया सबसे पहले हम भोजपुरिया समाज के अपने दर्शक के हम नमस्कार, जय प्रकाश सिंह। का कह चाहिए फिल्म का मुहूर्त है भैया? मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हमारे इस फिल्म के तुमको न भूल पाएंगे हम के डायरेक्टर हमारे सुनील माझी जी, इनके साथ मैं खड़ा हूँ, इतनी खुशी हो रही है, और उनके देख करके मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँ इनके लिए कि जिसका जैसा ये टाइटल है, इसी तरह से इस टाइटल को ये बनाएं और एक अलग एक किस्म का शोहरत का मुकाम कायम करेंगे, और हमारी सभी दर्शकों से यही प्रार्थना है कि आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखिएगा और हमारे इस यंग डायरेक्टर को आप लोग दुआ कीजिएगा और सराहिएगा, जिससे भविष्य में इस तरह की और भी पिक्चर ये बनाए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम भोजपुरिया समाज के साहिल खान के नमस्कार करना चाहता नहीं, और हमारी सौभाग्य बा जौन तुमको ना भूल पाएंगे टाइटल में डायरेक्टर साहब सुनील माझी जी हमके साइन कर लें, और एमन अनिल भैया, अनिल सर और पवन सर जौन ये फिल्म के निर्माता हैं, वो लोग हमें चयन कैलन, एक लिए हम बहुत बहुत उलोन के आभारी बाटे। बात करिए इसमें आपके रोल किस तरीके से रहा? ये फिल्म एक रोमांटिक और एक्शन फिल्म बा, और एक्शन फिल्म ऐसा एक्शन बा जौन अभी तक भोजपुरी फिल्म में ना दिखावल गए हुए, और शायद हमारे पर्सनैलिटी के लेके और हमारे एक्टिंग के लेके डायरेक्टर साहब हमें फिल्म के लिए चयन कर लें, एक लिए हम डायरेक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी बटन हैं। क्या कहना चाहिए सुनील जी इनके लिए, क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ की साहिल भाई जो बड़े हमारे साहिल खान साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हूँ मैं, इनकी दो फिल्में ऑलरेडी रिलीज बा मार्केट में, जमाई बाबू प्यार मर्डर केसन, तो इनका एक्टिंग देख के हम वाकई में सोचने कि भाई इतना मतलब अच्छा एक्ट कहाँ मिलेगा सबके, तुम देखे और बोले कि भाई साहिल भाई आप हमारे फिल्म में काम करें, तो हमने निर्माता ने से बात किया और इस फिल्म को तैयारी की हमने फिल्म, और आज साहिल भाई के साथ हैं। साहिल जी आपका कहचान दर्शन से फिल्म को लेकर और आपके किरदार के माध्यम से? हमारा किरदार मन एक यंग जनरेशन और चॉकलेटी करेक्टर बा, और हम तो अपने दर्शक से बस यह कहा कि भोजपुरी समाज में ये एक अश्लीलता से दूर फिल्म बन रहा बा, जे में आइटम सॉन्ग ये फिल्म में एक भी नहीं बा, आइटम सॉन्ग ये फिल्म में एक भी नहीं बा, और सबसे बढ़िया ये बा कि ये फिल्म के गाने हर आदमी के पसंद आई, अश्लीलता ये गाने में एक शब्द में भी नहीं बा, और हम राहुल लोग के भी बहुत बहुत एहसान बा और आशीर्वाद बा जो उनकी यहाँ आईली और हमें इतना हाईलाइट कर दिया।
तक रोकिए। ये बात करें चाहे आज फिल्म थोड़ा सुन लीजिए क्या कहना चाहेंगे। फिल्म का नाम क्या है? बाबा तुमको ना भूल पाएंगे। हाँ नहीं वही बाबा एंटरटेनमेंट। हाँ बाबा एंटरटेनमेंट के तले ये फिल्म बन रही है तुमको ना भूल पाएंगे। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी रोमांटिक फिल्म है ये। इसका म्यूजिक दामोदर राव कर रहे हैं, गाना प्यारे भाई और मैं लिख रहा हूँ। नो डाउट कि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, सुनील ने इसको इतना बढ़िया सजाया है। हिंदी करने के बाद मैं कई बार सुनील को बोला कि सुनील भोजपुरी भी बनाओ बढ़िया, तो तैयारी इसकी बहुत अच्छी है, कहानी बहुत ही अच्छी है और म्यूजिक पक्ष भी बड़ा मजबूत होने जा रहा है क्योंकि गाने जो है एक अलग टाइप के बन रहे हैं। हकीकत है कि जो अभी साहिल ने बोला कि तो इसमें अश्लीलता कम है और मैं भी चाहूँगा कि मतलब थोड़ा सा अश्लीलता को रोका जाए, हमारी जो भोजपुरी है हमारी संस्कृति है उसको बचाया जाए। तो और बात करें तो गाने कितने होंगे और किस तरह के होंगे? गाने तो मेरे ख्याल से नौ गाने रहेंगे, कुछ रोमांटिक हैं। इसमें एक ऐसे मुखड़ा है मैं सुना देता हूँ, अभी उसको मैं बनाया नहीं हूँ। कि बिना कुछ बोले सगरो बोली देले अखिया, बिना कुछ बोले सगरो बोली देले अखिया, कि दिलवा के राज सगरो खोली देले अखिया, बिना कुछ बोले सगरो